Subscribe to Pop Diaries and click on the bell icon for the latest update. पीछे से लाइट छोड़ो, लाइट पकड़ो मत, ले तुम लाइट को भी पकड़ लेते, लाइट को छोड़ के बात करो। ताकि जी यहाँ सामने मैं चोर नहीं हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, सॉरी मी। अगर आप बाइक ले लो, रेडी है एवरीबॉडी, हो जाने दो, सब रेडी, या रेडी। राखी साहब जी, आप एक लीगल ट्रबल में हैं, आपके जो कमेंट्स हैं सेज वाल्मीकि के ऊपर, और खबर थी कि पंजाब की पुलिस आपको ढूंढते आई थी पर आपको ढूंढ नहीं पाई, तो कितनी सच्चाई है इस बात में और आप कैसे क्लैरिफाई कर? देखिए, मुझे मीडिया से पता चला है कि मैं अरेस्ट हो गई हूँ और मेरे खिलाफ़ कोई केस है और मेरा वारंट निकला है। मुझे बिल्कुल भी नहीं कुछ पता कि मेरे खिलाफ़ कोई केस है या कोई वारंट निकला है या पंजाब की पुलिस या फिर 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मुझे, मैं खुद शौक हूँ, मुझे खुद नहीं पता। मेरे घर कोई पुलिस नहीं आई, ना मुझे कोई वारंट मिला है, ना कोई पर्चा मिला है, ना कोई समन मिला है, ना मुझे पता भी नहीं कि मेरे खिलाफ़ कोई केस है। तो आपने कुछ कमेंट किया था, एक वो एक कॉन्टेक्स में था आपके एक फ्रेंड को बचाने के लिए, ऑफ कोर्स द ग्रेट सिंगर। तो अब कहीं आपको रिग्रेट होता है कि आपने जो कमेंट किया वो नहीं करना था, क्योंकि अब ये एक लीगल इशू हो गया है और बात बहुत आगे बढ़ गई है? नहीं, मिका जी को बचाने के लिए, इज़ माई फ्रेंड, और उनको बचाने के लिए गए साल उनके घर में कोई लड़की घुस गई थी, आई डोंट नो सम मॉडल और समथिंग, आई डोंट नो, अब्यूज़ कर रही थी, तो उनके से उन पर एलिगेशन लगा रही थी। तो उनका मुझे कॉल आया था कि राखी आप देखिए, मेरे पे ऐसे मेरे घर में ये इंसिडेंस हुआ है, मुझ पर उन्होंने केस कर दिया है, तुम्हारा मेरा इंसिडेंस हुआ था, तभी कोई भी लड़की ऐसे मुँह उठा के आती है और मुझ पर केस कर देती है, तो तुमने मुझे देखा है कि मैं आई एम नॉट लाइक जैसे वो पहले थे, अब वो नहीं है। मैं भी कह रही हूँ जैसे वो पहले थे, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था जैसे उन्होंने किया था, तो वैसे वो पहले जैसे नहीं रहे हैं, उनमें काफ़ी चेंजेस आ गए, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ बन गए, बहुत अच्छे अच्छे गाने उनके हिट हुए, इज़ अ नंबर वन सिंगर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं प्रेस बुला के, उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि आप प्रेस बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो बिहाफ ऑफ हिम। मैं उनके उनको बचाने गई और मैं फंस गई, यू नो, बट मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने उस वक्त भी रिग्रेट नहीं था, आज भी रिग्रेट नहीं है, और मैं कोई गिल्टी नहीं हूँ। मैंने सिर्फ यही बोला कि पहले इंसान बुरा होता है, मतलब कुछ गलत हो जाता है, लेकिन जब उन्हें अक्ल आ जाती है या उन्हें पता चल जाता है कि ही वॉज रॉन्ग, तो यू नो, कहने का मतलब था, मैंने उनको बिल्कुल, मतलब ये भगवान वाल्मीकि जी के बारे में मैंने एक उदाहरण दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था, जो बचपन से मैं किताबों में पढ़ती आ रही हूँ। भाई साहब, मैं बचपन से किताबों में पढ़ती आ रही हूँ, किताबों में मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी, बहुत ही प्यारी स्टोरी थी भगवान वाल्मीकि जी के बारे में। सिर्फ मैंने अकेले नहीं, और मैंने, मेरे घर में कोई प्रिंट मशीन नहीं है जो मैंने छापी हो कोई स्टोरी, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा कि जिन्होंने रामायण लिखी, भगवान वाल्मीकि जी, उनकी लाइफ में क्या हुआ था,
कैसे वो जंगल में जाते थे, कुछ अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट दिस वर्ड, कि कुछ कैसे डकैत में थे, या फिर कैसे एक दिन उनको भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि वाल्मीकि भगवान जी को कहा कि क्या आप ये सारी डकैत करते हो, ये सारी चीज़ें कत्ल करते हो, तो क्या आपकी बीवी और आपके जिनके लिए आप ये कमाते हो, ये शिकार करते हो, तो क्या आप ये आपके पाप में भागीदार होंगे? तो उन्होंने कहा मैं अभी पूछ के आता हूँ, मैंने ये स्टोरी पढ़ी है। तो वो पूछने गए तो उन सब ने कहा कि नहीं, हम आपके पाप में भागीदार नहीं होंगे। तो उसी वक्त से उन्होंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी और वो साधु संत बन गए और उन्होंने रामायण लिखी, और आज हम भगवान राम को जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ भगवान वाल्मीकि जी। तो मेरी ये एक उदाहरण था, किसी को चोट पहुंचाने का मेरा कोई भी मतलब नहीं था। अपने उस बयान से आप कायम हैं या अभी आप उससे माफी मांगते हुए अपनी क्षमा याचिका कर रहे हैं? मैं माफी इसलिए नहीं मांगती हूँ कि मैं कोई गिल्टी हूँ या मैंने कुछ गलत बोला, मैंने माफी इसलिए नहीं, मैं माफी इसलिए मांगना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मैंने वाल्मीकि समाज के लोगों को अगर मेरी वजह से कहीं से भी थोड़ा भी हर्ट हुआ है तो मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ उस बात के लिए। मैडम जहाँ पे एक तरफ आप उनसे माफी मांग ली है, वहाँ पे क्या ये बात सच है कि आपको भी थ्रेट किया गया था, थ्रेटन किया गया था, सप्रेस किया गया था और बहुत कॉल्स आए थे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लास्ट ईयर जब ये इसी घर में इसी सोफे पे बैठे हुए, जब ये सब जगह ये भगवान वाल्मीकि जी के बारे में जब क्या वो वीडियो जब गया था, तो लुधियाना से बहुत जगह से वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुझे फोन किया, मुझे इतनी धमकी दी थी। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, एक साल से मेरे पीछे पड़े लेकिन मैंने हमेशा इग्नोर किया, मुझे धमकी दी, मुझे अब्यूज लैंग्वेज यूज करी, मुझे कितना गंदा गंदा कहा गया, मैंने हमेशा इग्नोर किया। मैंने कहा भाई अगर मुझसे रेखा बनवल जी को आप पूछ सकते हैं, रेखा बनवल जी जो हैं वो मुंबई में हैं, वाल्मीकि समाज की अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मुझे कहा राखी जी आप कहीं से भी गलत नहीं हो, आप टेंशन मत लो, मैं उनको संभालूंगी। फिर भी उन्होंने कहा हम आपको लुधियाना बुलाएंगे, हम आपके साथ क्या क्या करेंगे आप सोच नहीं सकते, मतलब मुझे धमकी दी गई, आप समझ सकते हैं। मैं आपको बताना नहीं चाहती वो मेरे साथ क्या करेंगे, गैंग वो करेंगे, समझ रहे हो, गैंग वो मेरे साथ वो गैंग करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलने के लिए, पर वो करेंगे, वो लुधियाना बुलाएंगे। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, उन्होंने मुझे धमकी दी, लेकिन मैं चाहती तो उनकी वॉइस रिकॉर्ड करके मैं भी पुलिस स्टेशन में जाके ये सब कर सकती थी, उनके खिलाफ केस कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने कहा जाने दो। लेकिन उन्होंने अभी इतनी हद हो गई कि उन्होंने मेरे पे केस कर दिया और उनको कुछ नहीं मिला, तो उनको लगता कि कैसे भी उनको लुधियाना बुलाएंगे और ये करेंगे। मैं क्यों लुधियाना जाऊंगी, मैं जज साहब को पूछना चाहती हूँ मेरी सिक्योरिटी क्या है, क्या मुझे सिक्योरिटी दे रहे हैं? मैं लुधियाने को तैयार हूँ, कोर्ट में आने को तैयार हूँ, आप मुझे सिक्योरिटी दे रहे हैं? क्या आप मुझे सिक्योरिटी दे रहे हैं? आप मुझे पूरी पुलिस फोर्स सिक्योरिटी दे, मैं आने को तैयार हूँ लुधियाना कोर्ट में। अभी मेरी बेल नहीं हुई है, मेरे चार वकील लुधियाना में हैं और चार वकील यहाँ पे हैं, मैंने बहुत सारे वकील कर रखे हैं कि कहीं से भी मैं अगर, मैं तो बहुत सैड हूँ, बहुत शॉक हूँ, बहुत ही हम लोग बहुत मेहनत करके आते हैं, सेलिब्रिटी नाम लोग सेलिब्रिटी कहते हैं, मुझे नहीं पता, हम तो मेहनत करके आते हैं, पैसे कमाते हैं, घर चलाते हैं, लोग हमें सेलिब्रिटी कहते हैं और कुछ लोग जो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। कानून कहता है कि अगर आपको शक है कि आप पे कोई केस है तो आपको करीब के पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, तो मैं बांगूर नगर में भी गई, ओशीवारा पुलिस स्टेशन में भी गई और जाके बोला कि मैंने सर अगर मेरे खिलाफ कोई केस है, शायद वारंट निकला है, तो सर मुझे वारंट दीजिए। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, कोई आपके खिलाफ तो कोई वारंट नहीं है, आपने क्या किया? मैं पूछना चाहती हूँ सर मैंने किया क्या, क्या मैं बच्चा चोर हूँ, क्या मैं आतंकवादी हूँ, क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ, क्या भाई साहब वीरप्पन जी की बहन हूँ मैं, या मैं कोई बहुत बड़ी गुंडी हूँ, या फिर मैंने कोई बिल्डिंग ब्लास्ट करी है, या मैं देश की गद्दार हूँ, कौन हूँ मैं क्या हूँ? मुझे क्यों बार बार कहा जा रहा है कि राखी गॉट अरेस्टेड, राखी जेल में गई,
क्यों, मैंने क्या किया है, क्या किया है मैंने, मुझे बताएंगे कोई, क्या कोई मुझे बताएगा मैंने क्या किया है, मैं क्यों जेल जाऊं? क्या हमारे हिंदुस्तान के जो लॉ है, कोर्ट में इतने सारे केसेस है, रेप के, बलात्कार के इतने सारे केसेस है, वो सॉल्व करेंगे कि ये सब लोग मेरे पीछे आएंगे? मीडिया में मैं आज सब लोग मुझे कहते हैं कि मैं पब्लिसिटी स्टंट करती हूं, मैंने नहीं किया कभी भी पब्लिसिटी स्टंट, मुझे नहीं जरूरत है। जब मैं कैंसर पीड़ितों की मदद करती हूं तब नहीं दिखाया जाता, मैं रास्ता बनवाती हूं तो तब नहीं दिखाया जाता, मैं ड्रेनेज साफ करवाती हूं कैंसर पीड़ित उनके में हेल्प करती हूं हॉस्पिटल में जाके, तब नहीं दिखाया जाता। रेपिस्ट लड़कियों को लोग रेप करके भाग जाते हैं, उन्हें पुलिस तक नहीं पूछती, मैं उनको पुलिस में पास लेके जाते हूं, हॉस्पिटल लेके जाती हूं, तब वो दिखाया नहीं जाता। अभी तो मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया, तो मुझे बार बार मुझे कहा गया आई एम गॉट अरेस्टेड। आपको क्या पता है कि मैं अपना पूरा घर चलाती हूं, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पूरे बच्चे, मैं पूरा घर चलाती हूं, और मुझे तो काम भी नहीं मिलेगा ऐसे तो, अगर ऐसे बार बार मेरे साथ होता रहा, मेरा नाम बदनाम होता रहा, मुझे तो काम भी नहीं मिलेगा, ना कोई टीवी पे काम देगा, ना कोई स्क्रीन पे काम देगा, अगर ऐसा मेरे साथ होता रहा तो। मुझे कोई मेरा कसूर बताए कि मैंने क्या किया है, कह रहे हेडलाइंस आ रही है कि पुलिस ढूंढ रही है मुझे, क्यों ढूंढ रही है मुझे पुलिस? इतनी बड़ी पंजाब की पुलिस नाम है, तो क्या एक मेरा घर नहीं ढूंढ सकती, मेरे हाथों में एक पर्चा नहीं दे सकती कि आपके खिलाफ वारंट है, आपके खिलाफ केस है? आप बताइए मैडम, आपके खिलाफ केस है या नहीं है? अभी पता चला है कि मेरे खिलाफ केस है। आपको कोई डेट दी गई है उसके पहले 9 मार्च को दी गई थी, अभी कोई डेट आपको? मुझे तो मीडिया से, मुझे मीडिया से ही पता चला है कि 9 मार्च या 4 मार्च या पता नहीं कितने मार्च मुझे डेट है मेरी, मुझे तो खुद नहीं पता। बट एक बात है कि देखिए यहाँ पे तो आप पू भी बोले, चू भी बोले तो भी केस हो जाता है, ऐसा क्यों? मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। क्या जज साहब कहते हैं कि इस आर्टिस्ट को लेकर आओ, इनको पकड़ के अरेस्ट करके लेकर आओ? जज साहब जी, क्या आप ये नहीं देखेंगे कि उस आर्टिस्ट ने कितनी मेहनत करके अपना करियर बनाया है? आप पुलिस को ऐसे भेज देंगे जज साहब जी कि उस आर्टिस्ट को पकड़ के लेकर आओ, अरेस्ट करके दो हाथों में हथकड़ियां डाल के? क्यों, क्यों जज साहब? क्या जज साहब ने क्या ये फाइंड आउट किया कि पुलिस ने जाके उन आर्टिस्ट को हाथ में पर्चा दिया कि नहीं? मैं अगर मैं कहीं से भी गुनहगार हूं तो मुझे जेल हो जाए। मैं खुद कहती हूं अगर मैं कहीं से भी गुनहगार हूं, हिंदुस्तान की जनता ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हिंदुस्तान की मीडिया ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, हिंदुस्तान की मीडिया आज की भगवान है, सच्चाई सामने लाती है, तो मीडिया को मैं कहना चाहती हूं सबसे बड़े जज तो आप ही हैं, तो आप बताइए मेरा मैं कहां से गुनहगार हूं? अगर कुछ चीज बंद करनी तो वो किताब बंद की जाए जिसमें ये स्टोरी है, जो स्टोरी मैंने पढ़ी है, मुझे से करोड़ों लोगों ने पढ़ी है, वो किताब क्यों नहीं बंद कर देते? ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ना कोई पढ़ेगा, ना कोई कहेगा कि अच्छा भगवान वाल्मीकि जी की स्टोरी ये थी। मैंने वो किताब पढ़ी और मेरे दिमाग में एक उदाहरण एक एग्जाम्पल वही आया, और मैं कहीं भागी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं, यहां की बेटी, मैं हिंदुस्तान में मेरे घर में हूं। जब मीडिया मुझे पकड़ सकती है, ढूंढ सकती है, तो पुलिस क्यों नहीं? दो सवाल आपसे, पहला तो ये कि क्या पंजाब पुलिस से आपकी मुलाकात हुई? पंजाब पुलिस से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं खुद पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर करने गई। कौन से पुलिस स्टेशन? बांगुर नगर ओशीवारा। दो पुलिस स्टेशन में आप खुद गए? जी, जब हमें शक होता, हमारा लॉ है, जब आपको शक है कि आपके ऊपर कोई केस है तो आपको जाना पड़ता है पूछने के लिए कि भाई कोई केस है क्या मेरे ऊपर, आप समझ रहे हो? और मुझे पंजाब की पुलिस नहीं मिली, मुझे कोई अरेस्ट वारंट नहीं मिला, मुझे कोई पर्चा नहीं मिला। मेरे घर में लोगों को बुलाओ, पूछो, इनको बुला लो मेरे घर में लोगों को, मेरी मॉम को बुलाओ, किसी को नहीं। हमारा ये मेरा घर है, मीडिया कब से मेरा घर जानती है, सब जानते हैं। मेरे घर में मुझे कोई भी लेटर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, और आया तो फिर हम लोग फिर में इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, मैं तो एक वकील खड़ा कर देती ना, एक वकील खड़ा कर देती मैं, अगर मुझे कोई समन मिला होता तो।
मुझे हम लोगों को क्यों सताया जा रहा है, मुझे नहीं पता एक सेलिब्रिटी को क्यों सताया जा रहा है। भाई साहब मैं सलमान खान नहीं हूं, मुझ पे पब्लिसिटी पाके आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, एक नॉर्मल हूं। मैं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान मैं नहीं हूं। वो बहुत बड़े लेजेंड है हिंदुस्तान के, बहुत बड़े आर्टिस्ट है। मैं एक मामूली इंसान। कुछ पूछना है और? जी जी जी।